हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। यदि आप ऐसे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसमें मैं टोटल 15 क्वेश्चंस लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 15 क्वेश्चंस ही इसमें शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद के जो नंबर 16 से हैं, ये मैं सेकेंड पार्ट में अपलोड करूँगा। कुल मिलाकर के ये जो वीडियो है, ये आपका ग्रामर के ऊपर अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा पार्ट है। इसके पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। यदि उन वीडियोस की लिंक आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, उसमें उन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ चाहते हैं, तो यहाँ आप देखिए कॉर्नर पर, यहाँ आपको कॉर्नर में आई का बटन मिल जाएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई कमी रहती है तो बिल्कुल मुझे सजेशन दीजिएगा। आपके सजेशन का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करना, शुरू करते हैं अपने लेसन को। देखते हैं आज मैं कौन कौन से क्वेश्चंस को लाया हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन मिल जाएगा आपको। डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे, यही बताता है कि हमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें क्या करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो मैं किसी वर्ड का प्रोनंसिएशन करता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोनंसिएशन आपका बहुत करेक्ट होना चाहिए, तो प्रोनंसिएशन पर साथ ही साथ ध्यान देते चलिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। अब यहाँ कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी जो व्याकरण की संरचना होती है उसका अभ्यास, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर यानी नियंत्रित तरीके से। ग्रामर के स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करना आपको किस तरीके से मिल सकता है, यानी इस तरह से आप प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन देखिए, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, दूसरा है करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर होना चाहिए था वाई आ गया है, सॉरी, तो आप यहाँ बाय समझेंगे, बाय लर्नर्स, ये भी नहीं है। यहाँ जो आपका नंबर 3 पर है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो गैप फिलिंग का एक्सरसाइज होता है, ये आपका जो है बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर का होता है, और इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, वो बिल्कुल आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामर की अच्छी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया है कि गैप फिलिंग एक्सरसाइज की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द बैकयार्ड द डॉग बॉग्ड एंड हाउल्ड एट द कैट इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल जाएगा, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। सेंटेंस वो भी आपका सिंथेसिस का है, सिंथेसिस आपके इंटरमीडिएट ग्रामर का चैप्टर है, जो लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे वो जानते होंगे, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो आप बिल्कुल डोंट वरी, एक निश्चिंत रहिए। अब यहाँ आपको बताना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो सबसे पहले ऊपर का जो सेंटेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऊपर के सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर आपको अदर मिल जाएगा, ये मोस्टली क्या होता है किसी सेंटेंस के अंत में आया करता है, ये अदर वर्ड्स में आता है, लेकिन यहाँ पहले आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है, अर्थ हमारा वही निकलता है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है हमें, जो इधर का पार्ट है उस पर ध्यान देना है। द डॉग वॉक्ड, इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंटेंस है, ये अपने में पूरा अर्थ दे रहा है कि कुत्ता भौंका। उसके बाद इसी में एक और पार्ट है हाउल्ड, यानी हम यहाँ पर द डॉग काट करके हाउल्ड से जोड़ दें, बार्क हटा दें, तो द डॉग और हाउल्ड करके बनाएंगे, ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाज बनेगा, ये भी दूसरे पर ये आश्रित नहीं है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटेंसेज हैं, पहला है द डॉग बार्क, दूसरा है द डॉग हाउल्ड। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया है, एक सेंटेंस बनाया है यहाँ से यहाँ तक का, और जोड़ा है किससे, एंड से।
इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे, जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, आप वो भी नहीं, बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो यहाँ जो एंड है ये कंजंक्शन है, ठीक है। इसके इधर का जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, और यही हम द डॉग हाउल्ड करके बनाएंगे भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को एंड से जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना आपका सिंथेसिस कहलाता है। और ये एंड जो कंजंक्शन का प्रयोग होता है, इससे हम सिंपल से सिंपल बनाते हैं। तो यहाँ आपका जो सिंपल सेंटेंस ऑप्शन में यही आपका सही है। वही पूछ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंसों से, दो सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखते हैं, फाइंड आउट द एरर फॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको एक सेंटेंस मिल जाएगा। अब सेंटेंस थोड़ा सा पीडीएफ बनाते समय काफ़ी दूर हो गया है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ जो आपके ब्लू कलर में मिल रहा है ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब हम सेंटेंस को देखते हैं और कह रहा है कि इसमें अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस को देखते हैं, पहला पार्ट है ही टोल्ड मी, यहाँ तक तो मुझे कोई एरर नज़र नहीं आया। इसके बाद वाले को समझना ज़रूरी है, दैट ही रोट अ लेटर। अब यहाँ जो दैट आया है ये डायरेक्टली बता रहा है, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है टोल्ड ये भी बता रहा है कि ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनने जा रहा है। तो अब यही हमें समझना ज़रूरी होता है, ही टोल्ड मी, इधर का तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, इधर दैट के बाद अब यहाँ समझना ज़रूरी है जो टेंस है वो कैसा होना चाहिए। ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न, यानी किसी कारण के लिए वो अपने सुपीरियर को एक लेटर लिखा, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो यही जाहिर सी बात है, वो लिखा होगा, हमेशा तो लिखता नहीं है, कोई ज़रूरत पड़ी तभी लिखा। तो यहाँ पर ही राइट्स, यदि होता ही राइट्स, समझेंगे आप इस बात को, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, तभी इसका यहाँ पर ही रोट अ लेटर बनेगा इनडायरेक्ट में। यदि डायरेक्ट में यहाँ ही राइट्स अ लेटर रहेगा तभी बनेगा, ध्यान देंगे। और ये सेंटेंस करके यदि हम पूरे सेंटेंस को समझें, यानी ही राइट्स अ लेटर टू हिज सुपीरियर, तो ऐसा लगता है जैसे वो बराबर लिखता है, क्योंकि आदत उसमें से हो रही है, ही राइट्स अ लेटर, वो पत्र लिखता है टू हिज सुपीरियर, अपने श्रेष्ठ को, अपने से जो श्रेष्ठ है उसको बराबर पत्र लिखता है, ऐसा समझ में आता है। तो इस तरह से सेंटेंस गलत हो जाता है डायरेक्ट वाला। अब इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्ट में जो दिया हुआ है यही डायरेक्ट में भी है, यही डायरेक्ट में होना चाहिए, तभी आपके सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है और उसको चेंज नहीं किया गया। मान लीजिए डायरेक्ट में ये था, ही रोट अ लेटर, और सेम उठा करके इनडायरेक्ट में रख दिया गया। अब आपके बात समझ में आई होगी। तो जब सेम रख दिया गया तो ये स्ट्रक्चर आपका यहाँ से यहाँ तक, ये जो पार्ट है इसमें एरर नज़र आ रहा है, बाकी इसमें तो कोई कमी नहीं है। टू हिज सुपीरियर फॉर, इसमें तो कोई कमी है ही नहीं है, और अ सर्टेन रीज़न, इसमें भी कोई कमी नहीं है, और इसमें कमी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर टू करेक्ट हो जाता है, यानी इसी में गलती है। तो यहाँ आपका पार्ट नंबर टू दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनंसिएशन एज अनदर बट विद अ डिफरेंट मीनिंग इज एन। आपको बताना है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना है, समय होता है, काफ़ी समय होता है। मान लीजिए दो वर्ड हैं एंड सेम प्रोनंसिएशन, मान लीजिए दो वर्ड्स हैं, यहाँ पर टू वर्ड्स होना चाहिए, तो आ वर्ड आ गया है, इसके लिए भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप समझेंगे इसको। टू वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनंसिएशन, उनका प्रोनंसिएशन भी एक है और स्पेलिंग भी एक है, दोनों सेम हैं लेकिन अर्थ अलग अलग है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें मैं सबसे पहले बता दूं सही कौन सा है। तो सही आपका है होमोनिम, होमोनिम आपका, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समनाम। अब चलिए
जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो सबके अर्थ को समझ लेते हैं। पहला जो है होमोफोन्स, बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे जो दो शब्द होते हैं इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। नहीं, होमोफोन्स में सिचुएशन अलग होता है। होमोफोन्स में क्या होता है, स्पेलिंग अलग होती है, साउंड एक जैसा हो सकता है, यानी प्रोनंसिएशन एक जैसा हो सकता है लेकिन स्पेलिंग अलग रहती है और मीनिंग भी अलग रहती है, तो वो डिफरेंट कंडीशन हो गया। ऐसे में हम होमोफोन कहते हैं, यदि उसकी वर्तनी भी अलग है, साउंड एक जैसा है और मीनिंग भी अलग है, तो उसको हम होमोफोन कहते हैं, और उसका हिंदी होता है समध्वनिक। ठीक है, इसके बाद तीसरे और चौथे का तो आपको पता ही है, एंटोनिम आपका है विलोम और सिनोनिम आपका है पर्यायवाची। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के समूह का संक्षिप्त रूप, विच यूजली अकर्स इन एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रियाओं के लिए यह प्रयोग होता है। एक समूह होता है जो बहुत ही शॉर्ट समूह होता है। अब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है डिडंट या डोंट लिखना है, हमें डोंट लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये सहायक क्रिया का शॉर्ट फॉर्म है, इसमें नेगेटिव वर्ड भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम इसे एक्सिलरीज वर्ब का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यही आपको बताना है इसको क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ ही होता है संक्षिप्त रूप। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे। चलिए सबका अर्थ देख लेते हैं। कनेक्टेशन का अर्थ होता है संकेतार्थ। कनेक्टर का अर्थ होता है, आप समझ सकते हैं, संयोजक या फिर जोड़ बताने वाला। और कंजंक्शन तो आपका संयोजक ही है, कनेक्टर मीन्स जोड़ने वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। द यूज़ ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स, यानी डिक्शनरी का प्रयोग एक जो अधिगम करता होता है उसकी मदद नहीं करता है। किस मामले में नहीं करता है, फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड, यानी एक शब्द को कैसे बोलते हैं इसमें मदद नहीं करता है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी वो मौखिक रूप से कैसे कम्युनिकेट करता है इसमें वो प्रोफिशिएंट नहीं बन पाता है डिक्शनरी की यूज से। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, तो ये मीनिंग तो मिलती है डिक्शनरी से, और फाइंड आउट हाउ टू से अ वर्ड प्रोनंसिएशन भी उसका मिल जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पर नंबर डी जो है, चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, जब भी हम डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं तो वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की भी जानकारी मिल जाती है। ऐसे में क्या नहीं मिलता हमें, नंबर बी वाला ऑप्शन जो है यही सही है, बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, डिक्शनरी देखने से कोई ओरल कम्युनिकेशन हासिल नहीं करता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी हमें नहीं सिखाती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द वर्ड एलिमिनेटिंग मोस्ट नियरली मीन्स, आपको बताना है कि जो वर्ड आपको दिया गया है एलिमिनेटिंग वो किस शब्द से मेल खाता है, यानी उसका समान अर्थ देने वाला इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है। और यहाँ नियरली जो मीन्स होता है इसका अर्थ होता है पर्यायवाची, तो लगभग लगभग समान अर्थ देने वाला आपको यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस वर्ड के मीनिंग को समझें, तभी हम ढूंढ पाएंगे। तो एलिमिनेटिंग का अर्थ होता है अनावश्यक अवांछित व्यक्ति या वस्तु को हटा देना, चाहे वो अनावश्यक व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको हटा देना एलिमिनेटिंग का अर्थ होता है। ठीक है, अब इससे मिलता जुलता आप सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसका क्या अर्थ है। बैनिशिंग का अर्थ होता है देश से निकाल देना, देश निकाला ये है नहीं। दूसरा आपका है इरेडिकेटिंग, इरेडिकेटिंग का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना या उन्मूलन कर देना, तो इसको आप समझिए लगभग लगभग यही मैच कर रहा है। अगला हम देखते हैं नंबर सी को, आप बैनिंग, बैनिंग का मतलब होता है बैन कर देना या रोक लगा देना। ठीक है, और डिसमिसिंग का मतलब होता है निष्कासित कर देना, सेवानिवृत्त कर देना, तो ये है नहीं। यहाँ पर है जड़ से उखाड़ फेंकना या फिर उन्मूलन कर देना, तो इरेडिकेटिंग इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू इनकरेज्ड इज, आपको बताना है यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है इनकरेज्ड, आपको बताना है इसका अपोजिट। ध्यान देंगे अपोजिट और सिनोनिम्स, होता यह है कि जब भी आप एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं, अपोजिट दिया होता है लेकिन आप सिनोनिम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अपोजिट ही आपको ढूंढना है। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित, तो इनकरेज का अर्थ हुआ प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित का उल्टा हुआ हतोत्साहित, तो हतोत्साहित से हम सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसका अर्थ देख लेते हैं। क्रश्ड, क्रश्ड का मतलब होता है कुचला हुआ, रौंदा हुआ या मसला हुआ। और मिसलेट का मतलब होता है गुमराह किया हुआ, तो ये है नहीं दोनों। और तीसरा जो आपका है डिसहॉर्टेंड, डिसहॉर्टेंड का ही अर्थ होता है यानी हतोत्साहित होना, वो अपनी हिम्मत खो चुका है, डिसहॉर्टेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए इसी साथ हम डी का भी अपना अर्थ देख लेते हैं। सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का अर्थ होता है बलपूर्वक शांत कराया गया या फिर दबाया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ पर एक फ्रेज मिल रहा है आपको, इस फ्रेज को ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेज। अक्सर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो फूट द बिल, फूट द बिल ये फ्रेज है, इसका अर्थ होता है हिसाब चुकता कर देना, हिसाब चुका देना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इस अर्थ को दे पा रहा है? टू टियर द बिल, बिल को फाड़ देना, यह ही नहीं है। बी देखते हैं टू किक द बिल, ये भी नहीं है। टू पे, टू पे मतलब होता है भुगतान कर देना, हिसाब चुका देना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, इस सेंटेंस का टेंस आपको बताना है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने उसको एक पत्र लिखा या भेजा उसको। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस वी का थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका होता है प्रेजेंट के परफेक्ट का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट किस ऑप्शन में है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ, फोनेटिक्स, फोन से आप जैसे ही फोन शब्द आया मतलब वो साउंड से रिलेट करता है, ये आप समझेंगे। ठीक है, कहीं भी आता है तो साउंड से रिलेट करता है वो, ऐसे में फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ। जो फोनेटिक्स है ये किस चीज़ का अध्ययन करता है? तो ये अध्ययन करता है साउंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ एक फ्रेज मिल जाएगा आपको, इस फ्रेज का आपको अर्थ बताना है, यानी ऑप्शन में से सही अर्थ देने वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइट यानी प्रकाशित करना, प्रकाश डालना, कोई चीज़ ऐसी है जिसपे प्रकाश डाला जा रहा है। ठीक है, इसका यही अर्थ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टू रिवील, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, प्रकाशित करना या प्रकाश डालना, तो इसका मतलब ऑप्शन ये ही सही जा रहा है। चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं। टू कॉन्सिल मीन्स होता है छिपाना, टू अपील का मतलब आग्रह करना, और यहाँ पर टू फ्रेज प्रशंसा करना। तो इन तीनों में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एस्केटिव ऑफ बॉडी, एस्केटिव ऑफ बॉडी यानी यह बॉडी जो शब्द है इस बॉडी का एस्केटिव बनाना है, बॉडी से एस्केटिव यानी एस्केटिव होता है विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, ये किस रूप में है? बॉडी, बॉडी आपका नाउन है। ठीक है, इसको बनाना है एस्केटिव, तो हम इसमें यदि एल वाई जोड़ दें तो ये एस्केटिव बन जाएगा। तो यहाँ बॉडी में एल वाई जोड़ दिएगा, बॉडली। ठीक है, तो इस तरह से बॉडली आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने अभी जस्ट ही यानी एक सप्ताह पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी फिगर ऑफ स्पीच, सभी क्वेश्चंस ओनली फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ आई के बटन में ध्यान देंगे, आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो यहाँ सेंटेंस दिया गया है इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। ये सेंटेंस जो लिया गया है दोस्तों, ये थ्री विचेज प्रकट होती हैं मैकबेथ में। यदि आपको मैकबेथ की कहानी याद है, स्टोरी याद है, तो आपको सब कुछ अब लगने लगा होगा कि हाँ उसमें जब विचेज आती हैं तो वो यही लाइन बोलती हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गुड बिकमिंग इविल, फेयर इज फाउल यानी गुड बिकमिंग इविल, एंड फाउल इज फेयर मीन्स इविल बिकमिंग गुड। यानी बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जो अच्छा है वो बुरा हो रहा है और जो बुरा है वो अच्छा हो रहा है।
ऐसा वो थ्री विचेज बोलती हैं। तो यहाँ पर हमें उनसे मतलब नहीं है, वहाँ क्या सिचुएशन था, किसको बोला जा रहा है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना। मैं तो जानकारी के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। फेयर इज फाउल, यानी जो अच्छा है वही बुरा है, यानी वो बुरा हो रहा है, तो जो अच्छा है वो बुरा कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विरोधाभास इसमें नज़र आ रहा है, और जो बुरा है वो अच्छा कैसे हो रहा है, तो दो शब्द हैं एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है आग्जी मोरान, यानी विरोधाभास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। चूज द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी, यहाँ एक शब्द आपको मिला डेरोगेटरी, इसका सिनोनिम आपको ढूंढना है, यानी पर्यायवाची ढूंढना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें डेरोगेटरी का अर्थ पता हो। तो डेरोगेटरी का अर्थ होता है अपमानजनक या अप्रतिष्ठाकारी, अपमानजनक। ऐसे में देखते हैं, सबसे पहले सभी का अर्थ देख लेते हैं। और सॉल्यूशन का अर्थ होता है संकल्प या समाधान, तो ये है नहीं। दूसरा आपका श्लेष है, श्लेष का सांत्वना या धीरज, तो ये भी नहीं है। और तीसरा आपका है ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग का अर्थ होता है अपमानजनक या अप्रतिष्ठाकारी, तो बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि सेम अर्थ दे रहा है। चलिए इसी साथ हम चौथे यानी डी का भी अर्थ देख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। फोरलोन, फोरलोन का अर्थ होता है अनाथ, निराश या फिर खाली, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। तो दोस्तों कोई सुझाव हो और कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप कमेंट भेजिए और वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।